दोस्तों मुहर्रम 2024 का सबसे बड़ा ताजिया, देश का सबसे बड़ा ताजिया बन रहा है कुशीनगर जिले के सिंघा में। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल यहाँ सिंघा में पेश की जा रही है, जहाँ देश का सबसे बड़ा ताजिया, मुहर्रम का सबसे बड़ा ताजिया एक हिंदू भाई बनवा रहे हैं। एक हिंदू भाई मुसलमानों के त्यौहार मुहर्रम पे देश का सबसे बड़ा ताजिया बनवा रहे हैं। हमारे पीछे देखिए, ये 120 फीट का ताजिया बनके तैयार होने वाला है यहाँ सिंघा में। पिछले साल 100 फीट का ताजिया बनाया गया था और इस बार 120 फीट का ताजिया बनाया जा रहा है। करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा का यहाँ खर्च है। एक साल से यहाँ पे जो है वो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद यहाँ ताजिया तैयार करने का पूरा काम जो है वो लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, हम आपको दिखा दें तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ताजिए का पहला फ्लोर है और आप लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं। जब आप ये ताजिया पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो आप लोग इसके अंदर भी आ सकते हैं और आके इस ताजिए को अंदर से भी देख सकते हैं। इसके ऊपर 2 या 3 फ्लोर और बनने वाले हैं। अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बनाए गए हैं जिसपे आप देखेंगे तो अलग अलग खंड में ताजिए के अलग अलग फ्लोरों के सामान को रखा गया है। इधर की तरफ आप देखिए तो एक खंड इधर रखा गया है, एक खंड आपको इधर दिखाई देगा और सबका काम लगभग बहुत जोरों शोरों पे है। मुहर्रम नजदीक है, मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है तो ताजिए का जो पूरा स्वरूप है उसको बहुत जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इधर आइए आपको दिखाते हैं तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो ताजिए में जो तमाम पिलर्स गुंबद बाकी चीजें दिखने वाली हैं उनको भी यहाँ बना के तैयार किया जा रहा है। यहाँ गांव के ही लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जो सब मिलके इसको काटने पीटने और सजाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार से जो है वो इन कलाकारों को बुलाया गया है जो ये पूरा ताजिया जो है वो बना के तैयार कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, आप अगर सिंघा गांव में आते हैं तो सिंघा गांव के लोगों को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, किसका त्यौहार है और किसका त्यौहार नहीं है, क्योंकि यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ और इस ताजिए को बनाने का काम कर रहे हैं। और आपको साथ साथ में दिखाते हैं कि इस बार इस ताजिए का सिर्फ ताजिया नहीं है, ताजिए के साथ जो मेला है वो भी बहुत ज़्यादा भव्य होने वाला है। अभी से देखिए तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं कि यहाँ पे दूर दूर से जो है वो झूले टेंट दुकानें अलग अलग जगहों से दुकानें जो है वो लोग यहाँ पर लेके पहुँच रहे हैं। इधर की तरफ आइए आपको एक बार और दिखाते हैं तो इधर देखिए ये गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जो ताजिए के ऊपर जो कागज़ चिपकाया जाएगा उसकी कटिंग करके और चिपकाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा बताओ तो, क्या नाम है? इसराफिन। हाँ इसराफिन। कितने साल के हो? 12 साल। कब से काम चल रहा है यहाँ पे? 10 महीना से। 10 महीना से, तो 10 महीना से दिन रात काम होता है? दिन रात काम होता है। तो तुम लोग सब लोग 10 महीने से मिल के काम कर रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो अभी? अभी लगा रहे हो। ये चिपकाया जाएगा इसके ऊपर? हाँ। अच्छा ये कौन सा फ्लोर है, कहाँ लगेगा ये बताना? दूसरा फ्लोर है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं हम कैसे गांव के छोटे छोटे बच्चे तक जो है वो इस ताजिए को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार और ये वाला सेक्शन दिखा दीजिए तो आपको फिर दिखा दें कि ये है ताजिए का एकदम ग्राउंड सेक्शन, इसके ऊपर ही बाकी फ्लोरों को रखा जाएगा। अब आप हमारे हाइट के हिसाब से देखिए तो हमारी हाइट से इसका ग्राउंड फ्लोर लगभग 2 गुना है, तो आप सोचिए कि इसके ऊपर अब इतने बड़े बड़े करीब 3 फ्लोर और रखे जाएंगे तो इस ताजिए का क्या हाइट होगा और जब ताजिया बन के तैयार होगा तब वो कितना भव्य लगेगा। पिछले साल 100 फीट का ताजिया बना था तो भारत के कोने कोने से लोग उसको देखने आए थे। स्क्रीन के ऊपर आपको एक बार फिर वो भी विजुअल दिखा दे रहे हैं कि पिछले बार कितना भव्य ताजिया बनाया गया था और इस बार का ताजिया उससे भी ज़्यादा भव्य होने वाला है। हम यहाँ पे जो लोग ताजिया बना रहे हैं जो बनवा रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। अगली वीडियो का वेट करिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।